क्रिस एवंस यानी के कैप्टन अमेरिका अपनी नाइस डे आउट वाली को स्टार एना डी एम्ब्रस के साथ नॉक नॉक ब्लेड रनर बन के ग्रे मैन करने वाले हैं, यानी के गोस्टेड का ट्रेलर आ गया है। Everyone, what's up? It's me, Beach Sad. And if you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button. और अभी तक मुझे subscribe नहीं किया, यानी कि नबील वर्स को, तो क्या कर रहे हैं? तो यार trailer start होता है, बड़े love shove और किस-किस bang bang चल रहा है सब कुछ, और फिर उसके बाद पहले तो इन दोनों की meeting दिखाई जाती है, girlfriend boyfriend मिल रहे हैं और बातें शाते हो रही है, और फिर मेरे ही तरह वो भी बंदा कहता है कि यार यही वो बंदी है, इसी से शादी करूंगा। और फिर स्टार्टिंग में अच्छा टाइम स्पेंड होता है, अच्छी बातें होती हैं, काफी लंबी चैट्स होती हैं। जब आप पक्के हो जाते हो, श्योर हो जाते हो कि नहीं भाई यही वो बंदी है जिससे मैं करूंगा शादी, अपनी बहन को भी बता देते हो, माँ बाप को भी बता देते हो, देन ब्रदर यू आर गोस्टेड। और ये हमारे साथ भी हुआ है, ऑब्वियसली आपके साथ भी हुआ है। इसका रीजन मैं बता दूं, आजकल की लड़कियां डरती बहुत है, डरती क्यों है? अगला बंदा हमें छोड़े उससे पहले हम छोड़ देते हैं, ये चीज बहुत बुरी है और ये चीज इंपैक्ट कर रही है। मैंने जो फील किया ना, यही रीजन है कि हम नए रिलेशंस में जाने से भी डरते हैं। लेकिन ये बंदा भी अपनी तरह कहता है कि मैं जाऊंगा लंदन उसको ढूंढने, और भाईजान चले जाते हैं उसको ढूंढने के लिए लंदन। मैं कहां जाऊं मुझे बताओ, मेरी वाली कहां आऊं, मैं कितना आऊं, कितनी बार आऊं, जब भी आऊं तुम नहीं मिलती हो, मैं क्या करूं, तुम बताओ मुझे। अच्छा खैर, वहां पे जाते हैं और वहां पे कुछ लोग उसको कर लेते हैं किडनैप, और वहां पे उस पे शहद की मक्खियां छोड़ते हैं, और वहीं पे एंट्री होती है अपनी बंदी की, जो के है CIA एजेंट। मेरी वाली भी CIA एजेंट है क्या? लग तो नहीं रहा, फोटो तो बड़ी अच्छी डालती है इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक भी अच्छे बना लेती है, यही होती तो ऑनलाइन इतना नहीं होती है। ये नहीं है अपनी वाली को ढूंढने जाना पड़ेगा। एक्शन वैक्शन, ये पता नहीं कौन से कंट्री में, ये तो समझ भी नहीं लग रहा, नेपाल, नेपाल, पहाड़, कश्मीर है, चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, क्या है, इराक है, ईरान है, कहाँ है? फिर ट्रक तो यार ये देसी ट्रक लग रहा है, पाकिस्तान में तो नहीं घूम रहे थे। लेकिन अप्रैल में आने वाली है अपनी बर्थडे वाले दिन, और फिर उसके बाद बाउंटी वाउंटी हो जाती है इन लोगों के ऊपर, अटैक, और ये सब दोनों मिलके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे दुनिया को बचाएंगे, यही सारी कहानी, काफी अच्छे सेट पीसेज है। और उसके बाद अपना क्रिस एवन भी एक्शन वैक्शन तो सीख ही जाएगा फिल्म के दौरान, और फिर बोलता है I'm the boyfriend. भाई मुझे वैसे boyfriend boyfriend नहीं मना, direct निकाह करो, मैं बोल रहा हूँ ghosted नहीं करो, निकाह करते हैं, तुम मानो मैं रिश्ता भिजवाता हूँ, डन करते हैं, खत्म, दी एंड, टाटा बाय बाय। इन दोनों कास्ट ने पहले भी एप्पल के ऊपर काम किया हुआ है, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ, और एना तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, और क्रिस एवन तो अपना वैसे ही शहजादा है, गलती से एक बार अपनी पोस्ट कर दी इंस्टाग्राम पे, तो क्या हो गया यार, उसको नहीं चलाना आता था आईफोन, उसका फेवरेट है 6+, वो 6+ ही चला रहा था कितने अच्छे था, जब तक वो आई एम नॉट ghosted, मुझे लगता है मेरे मीम पे रिएक्ट आया, इतना चलता है मेरे साथ, मुझे सिर्फ मीम पे रिएक्ट आता है, तो ये गोस्टेड हूं कि नहीं, ये आप लोग बताओ मुझे कमेंट्स में। चीज ये है कि क्रिस एवन भाई साहब ने गलती से एक दफा कुछ वो चीज पोस्ट कर दी जो नहीं करने वाली थी, फोन में खींच लेता है बंदा अपनी बंदी को सेंड करने के, लेकिन गलती से वो पोस्ट होगी। अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली आईफोन 13 बाय किया था भाई ने, क्योंकि भाई को नए फोन्स पे अपग्रेड करना अच्छा नहीं लगता, और अपनी अपनी चॉइस होती है, और बंदा अच्छा लग रहा है यार। देखो क्रिस एवन जवान बंदा है अभी, इसको कैप्टन अमेरिका के रोल में एक दो फिल्में और करनी चाहिए अभी। दूसरी तरफ रॉबर्ट डाउनी जूनियर थोड़े से उम्र में ऊपर है, वो भाग गए, लेकिन देखो क्रिस हेम्सवर्थ नहीं भागा, उसने थॉर की, वो 4 भी कर रहा है और बोल रहा है 5 भी करूंगा, कह रहा है थोड़ा सा उसका टोन चेंज करो 5 भी करूंगा थोर। लेकिन चीज यही है कि कैप्टन अमेरिका का वापस आएगा, आना चाहिए यार कैप्टन अमेरिका, आ जाओ वापस। अच्छा एप्पल की एक बड़ी अच्छी पॉलिसी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, एप्पल का रूल है कि कभी किसी भी मूवी में ना विलन आईफोन नहीं यूज करेगा, मतलब सिर्फ हीरो या अच्छे करेक्टर ही आईफोन यूज करेंगे, विलन आईफोन नहीं यूज कर सकता। कई बार एप्पल की मूवीज में आप पकड़ लेते हो कि विलन कौन है, जैसे एप्पल की एक सीरीज आई थी आई गेस क्रिस इवेंस की ही आई थी, इसमें उनके बेटे का मर्डर हो जाता है या कुछ इस टाइप का होता है, उसमें मुझे याद है मैंने देखी थी, वन ऑफ द फर्स्ट एप्पल मूवीज में से थी वो, उसमें पता चल गया था कि विलन यही है क्योंकि ये आईफोन नहीं यूज कर रहा, ये एंड्रॉइड यूज कर रहा है, तो इस तरह पता चल जाता है कि विलन कौन। ये तो खैर स्ट्रेट फॉरवर्ड फिल्म होने वाली है, इतना कोई इसमें झमेला नहीं होगा, एक्शन वैक्शन और कॉमेडी लव रोमांस ये सब चलेगा। ओवरऑल मैं मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ, जब मूवी आएगी मूवी काम करेंगे रिव्यू, उसके लिए सब्सक्राइब कर लें। ये था हमारा रिव्यू, अगर रिव्यू अच्छा लगा तो हमारा रिएक्शन भी चैनल पे पड़ा है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी एंजॉय योर लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, पीस।